हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में आप कैसे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को आप कैसे बंद कर सकते हैं अपने वन प्लस फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे लॉक स्क्रीन वॉल नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस आ रहा है जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको स्लाइड करना, स्लाइड करते ही आइकन्स आ जाएंगे, इसमें सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली आपको स्लाइड करना है और यहाँ से जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स पे। तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स पे जाकर भी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं, कर पाएंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने फ़ोन में, का यूज़ भी आप कर सकते हैं, कर पाएंगे। देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे जाना है, तो जिस तरीके से जहाँ से आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे। और देख सकते हैं कि जब आप उस पर जाते हैं और यहाँ से इसको डोंट शो कर देंगे, डू नॉट शो, तो आपका लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है बंद हो जाएगा, इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए।